आप सब देख सकते हैं यह रोड कटिंग चल रहा है। हमारा क्लब बी क्रॉस समर पिकनिक जो आने वाले है उसके लिए ये डेवलपमेंट किया जा रहा है। और हमारा पिकनिक स्पॉट है वो जो नीचे आप देख रहे होंगे जो रिवर बैंक है, यह क्लब बी क्रॉस का समर पिकनिक यहाँ होगा, इसके लिए ये रोड डेवलपमेंट किया जा रहा है। यहाँ सबसे पहले डिफेंडर, उसके बाद कैप्टन के बी क्रॉस, उसके बाद बिकी बजा के बी क्रॉस, उसके बाद जिप्सी और मैं। ये हमारा बीसी के जिप्सी ऑफरोडिंग करते हुए आगे जा रहा है और पीछे पीछे बी क्रॉस और बहुत लाजवाब। यहाँ पे जिप्सी फंसा हुआ है, स्टक हो चुका है क्योंकि 4x4 इंगेज नहीं किया है। अभी 4x4 इंगेज करते ही ये जिप्सी भी निकल जाएगा यहाँ से। अभी 4x4 इंगेज कर दिया गया है और इसी जो बी क्रॉस को देखते हैं। हाँ, बिना 4x4 में बी क्रॉस यहाँ से निकल गया। लेट्स गो ऑफ रोड, लेट्स गो। ये है जो न्यू रोड कटिंग, जो हमारा क्लब बी क्रॉस एनुअल पिकनिक के लिए जो रोड कटिंग किया गया है, आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ से सब। इसका जो रोड वाइडनिंग है बहुत काफ़ी बढ़िया से बनाया है। अभी फाइनली हम पिकनिक स्पॉट पहुंच चुके हैं। बहुत सुंदर जगह है, इट्स सो अमेजिंग। और बहुत ही साइलेंस है, या कोई और नहीं है, बस क्लब बी क्रॉस लोग हैं। अरे ये क्या हो गया, बीसी कन्वॉय को कहाँ लीड करके जा रहा है? शायद थोड़ा ज़्यादा जोश में आ गया है। तो ये बी क्रॉस वालों को जब भी कच्चा ये ख़राब रास्ता दिखता है, जंगल दिखता है, बहुत खुश हो जाते हैं। तो रास्ता से नहीं जाकर वह जंगल से शॉर्ट कट करके चला गया है। और ये देखिए, स्पॉट पहुँचते ही हमारे बिक्की भैया और बीसी जोश पर आते हुए। और घुराओ ना, और राउंड। डिफेंडर डिफेंडर को देखते हैं। ओ डिफेंडर, जिप्सी क्रॉस हुआ और लैंड रोवर डिफेंडर या स्टक होते हुए आप देख सकते हैं। अरे करोड़ वाला गाड़ी क्या हो गया? आराम से निकल गया जिप्सी और सुजू। नहीं 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 नहीं, ओ ये लो मार, लेदर लाओ ना तपुर गाड़ी के ऊपर से। रुको रुको रुको,
वो ये मर लेदर को ये करेगा, डालेगा, वो डालने से निकल जाएगा। मर लेदर और बेलचा, चलो कैप्टन का जाके देखो, कम ऑन कम ऑन। उसमें वो मर लेदर डालने से हो जाएगा क्या? हाँ वो तो बेलचा मार के डालने से हो जाएगा। रेंज भी नहीं बोलेगा। अरे गुगरा चले ना। ओ हम सुबह नहीं बोला था ये मैं दुबई में शेख लोग डेजर्ट में करता है तो या वो तोरा करेगा बोल के ये शेख का गाड़ी डूब गया। बंपर बंपर पूरा हाथ में आ जाने से क्या हो गया? बहुत महंगा लग रहा है। सबर पिकनिक नहीं आप स्टॉप नहीं करना चाहिए था। अब मोड फैन मोड में डालने के लिए ऐसे ट्राई करने के लिए तो अभी इस डिफेंडर को हम मर लेदर से ट्राई करेंगे निकालने के लिए। निकल जाएगा मर लेदर डालने के बाद फिर वापस ट्राई करेंगे ना। हाँ नहीं नहीं उल्टा डाल रहे हैं। बिना रेंज का बिना पेंसा पकड़ता है। अच्छा क्या पकड़ता है उसको ना बाली को थोड़ा मिला हो नहीं तो टूटेगा। ऐसे सुंदर से मिलाओ। नहीं आप निकल जाता ना आप रुक गया ना हम वो इसका मोड ना सेंड मोड है तो उसको मालिक कैसे लग रहा है करेगा पे रुका दिया कैसे लग रहा है फंस गया था फीलिंग्स बताइए। ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है दुबई का सेंड को मालूम होता है। इसको निकल के एक्चुअली है ये पूरा स्क्रू टाइट करके रखा। मजा आया दे रहे हैं मजा आया इसे ना मैं अभी तो बोल रहा था 40,000 का मतलब हो गया। वो कोस तो होने लगे निकल जाएगा पानी निकल जाना चाहिए निकल जाएगा। अरे दबा के जंप मार दीजिए। पावर दिखाओ डिफेंडर का। तो बांडर से नहीं निकल पाया अभी हम विंच से ट्राई करेंगे तो देखते हैं विंच से निकलता है कि नहीं। ए दादी बेंचा को इधर लाओ ना आगे तरफ देखेंगे अभी गाड़ी किसके देखेंगे। मार लीडर से बिल्कुल नहीं निकल।
वो हमारा बिकी भैया अपना इशूजू लेकर आ रहा है रेस्क्यू करने के लिए अपना विंच से, ब्लू ग्रेज विंच। देखते हैं कि एक विंच से निकल पाता है कि नहीं। हमारे पास ऑप्शन है 2-3 विंच। बस 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 अभी हम विंच से ट्राई करेंगे इसको। तब तो मार लो इधर को, दूसरा उल्टा लगा दो। अगर बीच में नहीं रुक, बस 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 और तोरा और तोरा। अभी एक विंच से नहीं हो रहा तो हम 2 विंच से ट्राई करेंगे। जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। तीसरा है सर। अभी हम 2 विंच से उसको पुल आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। अभी जिप्सी और जो बी क्रॉस दोनों का जो विंच का पावर है, हम एक ही साथ ये जो फंसा हुआ अपना डिपेंडर है पुल आउट करने के लिए ट्राई करते हैं। अच्छा वो उल्टा इसके आ रहा है, थोड़ा दब गया। हाँ ओके 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 हाँ हो गया साइड पर। रेडी गो। रुको वेट ठीक है। लगता है अपना डिपेंडर मालिक बहुत टेंशन में है। नया नया डिपेंडर। गुड टू गो। जा रहा, निकल रहा। और ये है विंच के पावर। 2 विंच हमने कंबाइन किया है उस डिपेंडर को फुल आउट करने के लिए। और बहुत लोग कहते हैं ना कि आपका जो गाड़ी का अगर में क्यों शो ऑफ करके ये विंच लगा के रखा है। अभी आप देख सकते हैं ये है इम्पोर्टेंट जो विंच क्या काम करता है। आप देखिए, बिना गाड़ी को इंजन में स्टार्ट करते हुए, बिना पावर अप्लाई करते हुए, बिना गाड़ी में कुछ नुकसान करते हुए हमने आराम से 2 विंच से इस तक गाड़ी को हम खींच कर बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं, तो ये है विंच का इम्पोर्टेंस। बस हो जाएगा। ओके ओके ओके
यहाँ पूरा दबाव बढ़िया 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 हो गया हो गया। अभी पीछे करके चल, करो पीछे करके चलो उसको घुसाते हैं। फिलहाल विंग्स को वापस डाल रहे हैं। अपना वो सेन मूड को ट्राई करने में होता होगा मोशन ठीक है ना। ये ओके कहाँ लगाएगा और नचल का वाली के लिए नहीं नचल का वाली के लिए नहीं जा जा पूरा नदी नीचे नीचे जाओ उधर जा जा पीछे जा पीछे पीछे जा पीछे जा पीछे एकदम नीचे पीछे सोली द ग्राउंड पीछे जा पीछे जाओ 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 हाँ कटो 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 वहाँ से निकल जाओ फाइनली बैक करो हाँ बैक करो जाओ बार बार रुक रहा है ये रुकता है ना नहीं 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 बस ओ मार लेदर डाल दो नहीं होगा मत कीजिए बस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद फाइनली अपना इसुजू और जिप्सी खेलने के मूड में और सैन पे आप देख सकते हैं ये अपना जिप्सी की पावर। हाँ यार फिर से फंसा दिया है फिर से स्टक हो गया है डिपेंडर। चलो फाइनली मेरा जो मार लेदर है वो आज कुछ काम तो आ रहा है देखते हैं मार लेदर की मदद से ये यहाँ से निकल पाता है कि नहीं। एक्चुअली ये जो डिपेंडर जो बहुत हैवी है निकल जा, और इसका जो डिपेंडर का जो टायर है एक्चुअली ये ऑफरोडिंग के लिए नहीं है निकल गया। मत रुको
आप स्टॉप मत कीजिए, स्टॉप मत कीजिए, ऐसे चलो, कंटिन्यू जाओ, आराम से निकल रहा है ना। ए देखो, हे राम, ये गाड़ी का ड्राइवर का गलती, ड्राइवर का गलती है। फाइनली रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अभी वॉलीबॉल का समय है, तो लेट्स सी हु गेट द ट्रॉफी। चलो मारो, कैप्टन हो जाएगा। यस, मेरा मेरा पार कर गया, आराम से। हां चलो, चलो क्रॉस कर, मेरा मेरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है, अभी वॉलीबॉल भी हो चुका है, अभी हमारा खाने का समय है, उसके बाद हम नहाएंगे इस फ्रेश फ्रेश तंदे तंदे पानी में, बहुत ही मज़ा आएगा। और खाना आप देख सकते हैं, हमारे पास है रोस्टेड पोर्क और चटनी, और ये है बेम्बू में बनाया हुआ स्टिकी राइस, ये है आज का खाना। एक छत्री को सेक्रीफाइस कर दिया, बदन भारी हो जाएगा। बालू तो नहीं घुसा ना? नहीं, परफेक्ट। और बम्बू चुगा बना से बहुत टेस्टी, गाड़ी मिर्ची भी पहले होता है, मिर्चा नहीं लाया, मिर्चा मिर्चा पता नहीं है। चावल और नहीं, कैसे है खाना? टेस्ट बढ़िया, ठीक है, अमेजिंग। वाओ, लोकल फिश है या लोकल चिकन है, बेम्बू में बनाया हुआ चावल है, स्टिकी राइस, लोकल फोर्क है, लोकल प्लेट है, नदी का किनार। हाँ, नदी का किनार, सिर्फ एक चीज का कमी हो गया, वो क्या है मालूम? मेंबर लोग नहीं आया। आया, ये तो बहुत दुखी वाला बात है। कौन मेंबर लोग मालूम? कौन हो जाएगा? क्लब मेंबर लोग। किसे? वैसे एकदम बढ़िया, थाईलैंड का याद आ रहा है ना, ईटानगर का याद आ रहा है, थाईलैंड का याद आ रहा है, जूत क्या वाले। सही है, बंदा बहुत सच्चा बंदा है। और ये है खाना, तंगरी। हाँ है, ये है टपोर, ये है आज पका देने वाला। आप सभी को थैंक यू। संडे कहेगा? हाँ हाँ।